हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक शर्मा। आप सबको अपने इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे ओमा कंपनी का जो एक्चुएटर होता है उसकी लिमिट कैसे लगाते हैं उस एक्चुएटर की। दोस्तों, लगाना एक लिमिट और टर्क लिमिट और लिमिट स्विच जो है बहुत ही ईजी है लगाना। थोड़ा सा समझने की बात है इसमें, थोड़ा सा समझेंगे तो किसी भी एक्चुएटर का हम लोग आसानी से लिमिट लगा सकते हैं। और इसमें साथ ही में आपको हम लोग कंट्रोल के भी बारे में बताने हैं, कंट्रोल वायरिंग के भी बारे में, पावर वायरिंग के भी बारे में बताने वाले हैं। इसमें आपको फुल डिटेल्स मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इस मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा और कोई भी वीडियो के बीच में स्किप ना करिएगा, क्योंकि अगर स्किप करते हैं तो कोई भी आप इम्पोर्टेंट बातें को आप नहीं सुन सकते हैं, जिसे आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, एक और स्पेशल रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको कोई डाउट रहते हैं इस वीडियो में, इस आपको एक्चुएटर के लिमिट लगाने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इससे एक्चुएटर को पहले ही ओपन कर चुका हूँ और इसे मैं आपको सबसे पहले कौन सा लिमिट स्विच है, कौन सा टॉर्क स्विच है, ये आपको बता देता हूँ, कौन सा ओपन का है और कौन सा क्लोज का है। ठीक है दोस्तों, ये जो है अपना इंडिकेटर है ओपन का और क्लोज का। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग बाहर कर लेंगे खोल के। स्क्रू से इस पॉइंट दिया है, जैसे इसे पॉइंट को खोल के हम लोग बाहर निकाल लेंगे। फिर दोस्तों, इसके बाद से आपको जो है मैं बता देता हूँ, जो ये है आपको लिमिट स्विच ओपन का है, जैसे LSO लिखा है, लिमिट स्विच ओपन। ठीक है, वैसे ही लिमिट स्विच क्लोज का है ये। और ये जो टॉर्क है, टॉर्क स्विच आपको यहाँ पे टॉर्क स्विच है। ठीक है, टॉर्क स्विच ये ओपन का दिख रहा है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा TSO ओपन, टॉर्क स्विच ओपन है, टॉर्क स्विच क्लोज है। तो ये सारे पॉइंट हैं। ठीक, और जो टॉर्क जो है ये जाके यहाँ पे लगता है तो हमारा टॉर्क का लिमिट लगता है, और ऐसे जो है लिमिट स्विच लगता है। ठीक है, अब इसको लिमिट कैसे लगाने वाले हैं ये देखने वाले हैं हम लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग क्लोज का लगाते हैं और इसे देख लेते हैं कि कैसे क्लोज को लगा लाएंगे। पहले जो जिस भी फॉर्म में हमको रखना है, जितना क्लोज करना है वो पहले क्लोज कर लेंगे हम लोग, जैसे हाथ से। ये जो अगर मैनुअली करना है तो इससे पहले लीवर को प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद प्रेस करके रखेंगे, फिर इसको घुमाएंगे। ठीक है, घुमाने के बाद से हाथ से इसको घुमा लेंगे, जितना हमें इसको क्लोज करना है जितने पे उतने पे क्लोज कर लेंगे, पूरा फुल क्लोज। क्लोज क्लोज करने के बाद से इसका लिमिट हम लोग लगाएंगे। इसको लिमिट कैसे लगाएंगे देख लेते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से जो आपको सेटिंग करना होगा वो आप सेटिंग कर लेना। ठीक, उसके बाद से लिमिट लगाने के लिए इस नोब को, अगर हमें देखिएगा यहाँ पे जो पॉइंट है एरो का चिन्ह दिया है। ठीक है, ये क्लोज के लिए एरो इधर आपको दे रहा है ये पॉइंट को घुमाने के लिए, और क्लोज के लिए जो है ये अपना इस साइड से क्लोज के लिए दिया है घुमाने के लिए ये पॉइंट का। इसको पहले प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद अगर क्लोज का लगा रहे हैं तो इसे प्रेस करने के बाद से क्लॉक वाइज इसे घुमाएंगे। जैसे घुमाएंगे ये लॉक हो गया, यहाँ पर आपको भी दिख जाएगा। फिर उसके बाद से ये लिमिट को घुमाएंगे। ठीक, इसको ऐसे घुमाते रहेंगे, फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ जिससे आपकी बहुत नॉलेज बहुत बढ़ सकती है। तो दोस्तों, इस नोब को उस टाइम तक घुमाते रहेंगे जब तक ये नोब आके इस लिमिट को प्रेस ना कर दे। ठीक है, जब यहाँ पे आ जाएंगे तो इसे स्लोली स्लोली घुमाएंगे फिर, क्योंकि जैसे ही ये आके यहाँ पे लिमिट पे स्विच पे ये नोब आके टच करेगी, हम वहीं पे इसे छोड़ देने वाले हैं। देखेंगे दोस्तों, ये हमारे लग नोब पे आ गई है, तो इस चीज़ को छोड़ देंगे, और उसे छोड़ने के बाद से जो हम लोग बीच में प्रेस किए थे और लॉक लगाए थे उसको फिर से प्रेस करके एंटी क्लॉकवाइज घुमा के सेंटर पे इसे छोड़ देंगे, और इसे चेक कर लेंगे कि पूरी फ्री है या नहीं। ऐसे चेक करेंगे अप डाउन हो रहा है क्या,
तो इससे समझ जाएंगे कि ये छोड़ चुका है। उसके बाद हाथ से भी एक बार थोड़ा सा चेक कर लेंगे। और टॉर्क जो है दोस्तों, टॉर्क उस समय लगेगा, यहाँ से टॉर्क की सेटिंग करेंगे, जैसे ये स्क्रूप है इसको लूज करेंगे और जितने पे टॉर्क सेट करना है उसे उस नोब पे जो पॉइंट दिया है उस पे छोड़ देंगे। अभी जो है हमारा सेटिंग है 15 पे, मैक्सिमम टॉर्क पे सेट है, तो आपको जितने पे टॉर्क सेट करना होगा उतने पे आप टॉर्क सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका जाम चल रहा होगा, ज़्यादा लोड ले रहा होगा आपका बॉल भी या गेट, तो आप टॉर्क को और बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से हम लोग इसे ओपन अप कर लेते हैं और ओपन का भी लिमिट लगा लेते हैं। आप लिमिट लगाने के लिए हाथ से भी कर सकते हैं या आपको इलेक्ट्रिकली सप्लाई होगा तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो हम इसे ओपन अभी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये लिमिट छोड़ा, जैसे मैंने ओपन कर रहा था उस टाइम ये लिमिट जो नोब था ये हट गया और ये पॉइंट जो था पहले इसमें कंट्रोल में आप लोग हम देखेंगे कि इसमें जो NO और NC होता है, ठीक है, और NO NC पे ही इस एक्चुएटर को हम लोग कंट्रोल करते हैं। जैसे NO NC पे कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि जो हमारा फीडर को डिजाइन करते हैं इसमें NO और NC के पॉइंट को लेके ही हम लोग डिजाइन करते हैं अपने फीडर को और उसी के हिसाब से इसे सेटिंग भी करते हैं। तो मैं आपको फिर से लास्ट में ये वीडियो बता रहा हूँ, बताऊँगा भी और कि कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, क्या कहाँ पे कौन सा NO है कौन सा NC है, ठीक है, और पावर वायरिंग भी इसका आपको बताने वाली है। पहले इससे पहले हम लोग ओपन का जो लिमिट है वो लगा लेते हैं, ठीक, और उसे चेक भी कर लेते हैं कि लिमिट ओपन का लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। और ये अभी हमारा ओपन हो रहा है, मुझे जितने पे सेट करना है उतने पे मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद से ओपन का लिमिट हम लोग लगाएंगे, ठीक है। और ये देखते रहिएगा, ये हमारा ओपन का पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। अभी हमारा जो पॉइंट है इतना सेट हो गया, ठीक। अब इसे मुझे मान लीजिए इतना ही ओपन करके रखना, इसे मैं क्लोज कर लूँगा। अभी हमारा क्लोज हो गया। अब इस पर क्या है कि लिमिट अभी हमारा लगा नहीं है, जब ये प्रेस हो जाएगा उस टाइम लिमिट लगेगा, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे लिमिट लगाता हूँ। तो ओपन का लिमिट लगाने के लिए सेम प्रोसेस है, उस टाइम क्लॉक वाइज किए थे तो इस टाइम हम लोग एंटी क्लॉक वाइज इसे बीच में प्रेस करेंगे और एंटी क्लॉक वाइज घुमा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो लॉक है लग चुका है। अब लिमिट लगाने के लिए जो ये पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट था इधर जो हमारा जो था क्लॉक वाइज घुमाए थे, तो इसे जो है एंटी क्लॉक वाइज हम लोग घुमाने वाले हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉक घुमाते रहें कब तक, जब तक इसमें प्रेस ना हो जाइए। ये देखिए अभी ही प्रेस हो गया, पर इसे एक बार और एक राउंड ले लेंगे, उस समय क्या होता है लिमिट परफेक्ट लगता है, ठीक है। तो इसे और घुमाते रहेंगे और इसे घुमाने के बाद से इसको इस नोब को जो पॉइंट है यहाँ पर लेके आएंगे। जब ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा उसके बाद से, इससे पहले जो भी नीचे से आएगा तो मैं आपको बताया था कि यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद से स्लो पूरे घुमाएंगे एक एक पॉइंट, और एक भी पॉइंट दोस्तों इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे एकदम प्रेम से घुमाएंगे कि ताकि जाके डायरेक्ट लिमिट लग जाए। उस समय क्या होता है ऐसा लिमिट लगाने पर परफेक्ट लिमिट लगती है। देखिए ये लिमिट लग गई है ओपन का भी, ठीक है। और इसको भी देख लेते हैं, टॉर्क का भी मेरा सेटिंग मैक्सिमम है ओपन के लिए भी, तो हम लोगों को उसका भी मैं नहीं छिड़काऊँ क्योंकि आपके जो डिपेंड करेगा टॉर्क की जितना चाहिए उसके हिसाब से आप अपना टॉर्क का सेटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद अब इसे लग गया है तो फिर से इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद से इसे सेंटर में ला देंगे, फिर उसके बाद इसको ऐसे चेक कर लेंगे कि ये पूरे फ्री है या नहीं। दोस्तों इस बात को ध्यान देना है कि ये लिमिट लगाने के बाद से जो लॉक है ये हटाना पड़ेगा, अगर नहीं हटाएंगे तो फिर मैकेनिकली फॉल्ट हो सकती है, तो इस बातों को पूरे ध्यान देना है हमें, ठीक है। ये लिमिट लग गई है ओपन का हमें, फिर इसे क्लोज करके हम लोग देखते हैं कि क्लोज के टाइम पे गया है या नहीं और लिमिट लग रहा है कि नहीं, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे हमने प्रेस किया ये ओपन का जो लिमिट था यहाँ से छोड़ चुका है। और दोस्तों
अब देखिए मैं आपको कंट्रोल का बताता हूँ। मैं बताया कि जो NO और NC पे ही रहता है, ठीक है। अब आपका जो फीडर है किस पे डिजाइन हुआ है उस पे डिपेंड करता है, जिसमें इसमें जैसे कि दो NO और दो NC का पॉइंट होता है। ओपन में अगर देखेंगे दो NO दो NC, क्लोज में भी दो NO दो NC। दोस्तों ये जो है बहुत सारे डिपेंड करता है अपने एक्चुएटर पे भी, वो पॉइंट कितने दे रहा है। जैसे मैं इस जो अभी एक्चुएटर में मैं लिमिट आपको बता रहा हूँ, इसमें जो है दो ओपन का दो क्लोज में दो NO पॉइंट दिया, दो NC पॉइंट, ओपन में भी दो NO और दो NC पॉइंट दिया है, और टॉर्क में भी है दो टॉर्क का है, और दो मींस एक यूज कर सकते हैं आप NO, तो एक स्पेयर में आपके पास रहेगा, ठीक है। और पावर की जो केबल है इसमें 3 फेज का पावर लगती है, ये 3 फेज हमारा एक्चुएटर है, तो उसमें क्या है कि RYB का आपको पॉइंट दिया रहेगा, उस पर हम लोग लगा सकते हैं। देखिए आप दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा क्लोज हो रहा है, तो क्लोज का यहाँ पे लिमिट लगेगा, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ये क्लोज का लिमिट पे आएगा तो ये अपने चीज़ पे आ गया, देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक क्लोज हो गया, ये अपना नोब भी आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ओपन का कैसे और क्लोज का कैसे लिमिट लगाते हैं ये आपने देख लिया है। तो इस वीडियो में आपको कैसे लिमिट लगाता है आपने देख लिया, और मैंने बोला था कंट्रोल को और पावर के लिए, तो आपको भी कंट्रोल के लिए बहुत सारे पॉइंट्स बता दिया है, थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है आपको कैसे किया जाता है। पूरे प्रोसेस बताएंगे तो आपको वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में सिर्फ लिमिट ही आपको बता रहा हूँ। अगर इस वीडियो में आपको कंट्रोल की वीडियो जल्दी ही चाहिए और पावर की, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जाके करिए और बताइए कि कितने जल्दी आपको वीडियो ये चाहिए, मैं ये वीडियो जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा। अगर फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए, और कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें।